फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हंटर कंपनी का एयर ब्लोअर है, जिसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लोअर है। तो चलिए, मैं एयर ब्लोअर को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, अपनी वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एयर ब्लोअर को मैंने ओपन कर लिया हुआ। एक इसके साथ में मैनुअल यूज़ बुक है, जो आपने ज़रूर देखनी है। और अगर आप देखें तो इसके साथ में एक अदद इसका कार्बन बुश का सेट भी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका ब्लोअर कभी भी बंद हो तो आपने इसके कार्बन बुश चेक करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ में एक अदद इसका डस्ट का बैग है, और एक जो है इसको एयर थ्रो करने के लिए इसका पाइप है, जैसा कि मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको आपने कैसे फ़िट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एयर ब्लोअर का जो पाइप है वो मैंने फ़िट कर लिया हुआ है। आपने इजीली इसको ऐसे तरफ टाइट कर लेना है, और इसको आप बहुत ही आसानी से एयर जो है वो थ्रो करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो दूसरी साइड है, ये बेसिकली इसकी वैक्यूम की साइड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एयर ब्लोअर का टारगेट बटन है, बहुत ही प्यारा है, इजी टू ग्रिप में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा बटन जो है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टारगेट बटन जो है वो लॉक हो जाएगा। इससे आपका जो एयर ब्लोअर है वो चलता रहेगा, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे दोबारा तो आपका जो एयर ब्लोअर है वो बंद हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली इसके कार्बन बुश के पॉइंट है। आपका कभी भी एयर ब्लोअर जो है वो बंद हो जाए तो आपने इजीली माइनस स्क्रू ड्राइवर से इसके कार्बन बुश चेक कर लेने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम उस्मान भट्ट और यू आर वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल भट्ट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स।